रोहित शर्मा की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने लंदन के द ओवल मैदान पर इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में शानदार जीत दर्ज की है। इस मैच में रोहित शर्मा और शिखर धवन लंबे समय के बाद एक बार फिर से वनडे में ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच इस मैच में एक नाबाद शतकीय पारी देखने को मिली। धवन की इस पारी ने एक युवा बल्लेबाज की टेंशन बढ़ा दी है। इस खिलाड़ी ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन कर टीम में अपनी जगह पक्की की थी। वनडे में शिखर धवन की वापसी के बाद ईशान किशन की टेंशन बढ़ गई है। ईशान किशन हालिया समय में केएल राहुल की गैर मौजूदगी में लगातार टीम इंडिया के लिए ओपन कर रहे हैं। वे पिछले कुछ सीरीज में भी काफी शानदार फॉर्म में भी दिखाई दिए हैं, लेकिन टीम में धवन की एंट्री होने के बाद उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर बैठना पड़ता है। ऐसे में आने वाले मुकाबलों में भी उन्हें टीम से बाहर ही बैठना पड़ सकता है। शिखर धवन ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में धीमी लेकिन मैच विनिंग पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 54 गेंदों पर 57.40 की स्ट्राइक रेट से 31 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 4 चौके भी देखने को मिले हैं। उन्होंने पहले विकेट के लिए रोहित शर्मा के साथ मिलकर नाबाद 114 रनों की साझेदारी भी की और टीम को 10 विकेट से मुकाबले जिताने में अपना खास योगदान दिया। शिखर धवन तीनों ही फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए खेले हैं। धवन ने टीम इंडिया के लिए 34 टेस्ट मैचों में 2315 रन, 150 वनडे मैचों में 6315 रन जबकि 68 टी20 मैचों में 1759 रन बनाए हैं। वह पिछले 4 साल से टेस्ट टीम से बाहर चल रहे हैं और टी20 में उन्हें अब शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे में धवन के पास अब वनडे फॉर्मेट में ही अपना खेल दिखाने का मौका है। धवन के करियर के लिए इस सीरीज के आने वाले 2 मैच काफी अहम रहने वाले हैं।